क्या हो रहा है ये? क्यों रे बेईमान, तू ये पेपर लेने आया था यहाँ पे? मुझे तो पहले ही पता था कि तू झूठ बोलकर इस घर में घुसा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तेरी नियत में इतना बड़ा कोट है। तू इतना नीचे गिर चुका है कि आधी रात को एक कुंवारी लड़की के कमरे में इस तरह बहाने बनाकर घुसाएगा। प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बात करने आया था साक्षी से, और कुछ भी नहीं। बात करने आया था तू? अच्छा, तो ऐसी कौन सी अर्जेंट बात थी जो तुझे इस तरह झूठ बोलकर घर में घुसना पड़ा? दादी रवि जी जो एकदम सही कह रहे हैं, उससे बात करने आए थे। तो चुप कर लड़की, इसको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे कोई गैरतमंद इंसान इस तरह की हरकत करता है? इसका तो पूरा खानदान ही बेगैरत है। पहले मेरी बड़ी पोती को धोखा देकर उससे शादी कर ली, अब इस पर डोरे डाल रहे। अरे प्लीज, मैं सिर्फ बात करने आया था और कुछ भी नहीं। मैं सब जानती हूँ, ये जो तू भला मानसत का मुखोटा पहन के घूमता है ना, बड़ा भले मानस बनता फिरता है ना, आज तेरी सच्चाई में सबके सामने खोल के रहूं। बात सुनिए, सब कुछ भी नहीं है। गेम सुपर्ब खेला है हमने, लेकिन पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। इस वक्त रवि के साथ क्या हो रहा होगा? और वो स्टूपिड एमएलए, Why isn't he answering my calls? दोबारा ट्राई करती हूँ। इस औरत में सावर नाम की चीज ही नहीं। सुबह से बार बार फोन करके दिमाग खराब करे। फोन को साइलेंट पे डाल देता हूँ, बजने दो सर। अब इसे क्या कहूँ कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? अब बताने जाऊंगा तो 10 सवाल पूछेगी, क्यों, किस लिए, रवि और देविका को अलग करना है कि नहीं। इसमें अकल भी नहीं है ना कि इसे समझाऊं कुछ। मैं तो बस कुछ समय के लिए देविका पर से पहरा उठा रहा हूं, लेकिन इसे बता नहीं सकता, क्योंकि अगर इसे बताया तो ये बना बनाए खेल बिगाड़ देगी। बजने दो फोन, जब मिलेगी तब देखते हैं। तीन बार कॉल ट्राई किया इसे, ना फोन उठा रहा है, ना किसी मैसेज का जवाब दे रहा है, ना खुद कोई मैसेज कर रहा है। क्या ये सच में इतना बिजी है या कहीं मुझे डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा? नहीं निवेक, तुम इस एमएलए पर इस तरह ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तुम्हें इस गेम का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेना होगा। कल सुबह जाकर खुद देख कर आती हूँ कि आखिर ये एमएलए साकेत कपूर कर क्या रहा। पल्लवी का फोन। हेलो पल्लवी, क्या हुआ, इतनी रात को कैसे फोन किया तूने? दिया प्लीज जल्दी घर आ जाओ। पल्लवी हुआ क्या है, तू रो क्यों रही है? दिया प्लीज कोई सवाल मत पूछे, प्लीज जल्दी आ जाओ। पल्लवी मैं इतनी रात को नहीं आ सकती हूँ, कैसे आऊंगी मैं अकेले, रवि भी घर पर नहीं है। वो तो छोड़ जाता मुझे। देख पल्लवी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बता क्या हुआ है। रवि जी जो यहाँ आए हुए, और दादी मैंने बहुत भला बुरा सुना रही है, बहुत गलत बोले जा रही है, अब भी आना ही होगा प्लीज। रवि घर पर आया हुआ? दी आप यहाँ आ जाओ, तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं अभी आती हूँ वहाँ पर। रवि वहाँ पर क्या कर रहा है, और दादी उसको क्यों सुना रही है? हे अम्बे माँ, कुछ उल्टा सीधा ना हो गया वहाँ पर, मैं अभी जाकर देखती हूँ। क्या हुआ चाची, क्या हुआ है, इतना रो क्यों रही चाची, बताओ ना क्या हुआ है, और सब लोग ऐसे क्यों खड़े? पल्लवी मेरी तरफ देख, तुझे बता क्या हुआ है, तूने मुझे फोन किया था ना, क्या हो गया है सबको बता ना पल्लवी। चाची अब क्यों रो रही हो इतना, चाची प्लीज मुझे बताओ क्या हो गया है, चाची बोलो ना कुछ। साक्षी क्या चाची, साक्षी क्या? क्या
दादी जी बात को कहां से कहां ले गई। देविका सोने की तो क्या सोचेगी, वो तो पहले से मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करती, ऊपर से ये दादी जी का बिना बात कट रहा। दादी क्या साक्षी, साक्षी बोल, कुछ कहा दादी ने तुझसे? साक्षी बताना क्या हुआ है, क्या कहा दादी ने? तू चल मेरे साथ। कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा है। दादी कम से कम आप तो बताइए कि क्या हो गया। अब इस लफंगे पति से पूछ। तुमने फिर कुछ कर दिया। और तुम इतनी रात मेरे घर पे कर क्या रहे हो? वहां पल्लवी तूने मुझे आने को कहा था ना, तूने फोन किया था ना मुझे, मुझे बताना क्या हुआ है, सब रो क्यों रहे? जी वो दादी ने चवि जीजू और साक्षी पर अभी बोल पूरी बात। चाची ये सब लोग आधी आधी बातें क्यों कर रहे हैं, आप भी कुछ बता दीजिए, ये सब क्या हो रहा है, सब क्यों रो रहे हैं? अब क्यों रो रही हो चाची, प्लीज मुझे कोई कुछ बताएगा? साक्षी, क्या साक्षी? मैं भी जिस साक्षी के कमरे में गई थी उससे कुछ बात करने, और उस वक्त बीजी ने रवि को और साक्षी को एक दूसरे के साथ गले मिलते देखा। वो भी तेरे कागज लेने के बहाने ये घर में घुसा और साक्षी के कमरे में चला गया और उसके साथ ऐसी गिरी हुई हरकत की कि सब कुछ नहीं है जैसा दादी बोल रही है। बस मैं रवि के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो रवि, तुम इतनी रात को साक्षी के कमरे में क्या कर रहे थे? लो बताओ, अभी तो देविका रवि को ढूंढ रही थी, परेशान हो रही थी, वो खुद ही गायब है। रवि का भी फोन नहीं लगा, देविका कोई फोन करते हो? अंजू आंटी का फोन, क्या करूं? नहीं, इस वक्त मुझे रवि का जवाब सुनना ज्यादा जरूरी है। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरा फोन काटे? वो कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि आया हो और देविका उसे लेके बाहर चली गई? लो बताओ, जरा सी बातें क्या सुना दी, इतना असर हो गया। इतने खराब मौसम में कहाँ घूम रहे हैं दोनों, और इतने बारिश में भंगड़ा पाने तो नहीं गए? देविका एक काम करते हैं, घर चलो, वहां चल के बात करें। नहीं, मुझे अभी यही इसी वक्त तुमसे बात करनी है, सबके सामने जानना है। बताओ घर जाके पता नहीं कौन सी कहानी सुना दे। यही बोल जो तुझे बोलना है। अरे जब करते हुए शर्म नहीं आई तो बता तो दे।
कि साक्षी से मिलने के पीछे तेरी मंशा क्या थी? अरे बताता क्यों नहीं? अरे तेरी धोखे वाली शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं, जो अपनी बीवी से तेरा मन उकता गया और तू अपनी साली पर डोरे डालने शुरू कर दी। तेरा भाई उसे मंडप में छोड़कर चला गया और अब तू आके उसे संभाल दे। देखा चुटकी, तेरे से शादी की धोखे से। अब साक्षी की हालत का नाजायज फायदा उठाने चला आया तेरा धोखेबाज पति। ये तुझसे भी छल कर रहा है और साक्षी से भी। दादी प्लीज प्लीज बस कीजिए, बहुत सारा बोल चुकी है। साक्षी मेरी छोटी बहन की तरह, मैं छोटी बहन की तरह उसे प्यार करता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानने के लिए आया था कि साक्षी ने साकेत के साथ शादी करने के लिए क्यों हाँ कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि साक्षी की शादी साकेत के साथ हो। अगर उसकी शादी साकेत के साथ हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था और कुछ भी नहीं, और दादी ने इतनी सी बात का इतना बड़ा बवाल कर दिया। यही तो, यही सच मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती थी कि तू सकेत जी के खिलाफ साक्षी को भड़काने आया था। कि तू एक बार फिर से इस घर की खुशियां बर्बाद करने आया था। यही सच तेरे मुंह से उगलवाने के लिए मुझे इतना बड़ा हंगामा खड़ा करना पड़ा। क्या कहा तूने? तूने जान बूझ कर इतना बड़ा नाटक किया और हम सबको टेंशन दिया सोलग। अरे सवित्री, अपनी पोती की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। तूने ये भी नहीं सोचा कि इतनी बकवास का उस बिचारी लड़की पर क्या असर पड़ेगा। और ये रवि हमारे घर का बड़ा दामाद है, उस पर इतना घिंडौना इल्जाम लगाते हुए तेरी जीभ नहीं कटते। सही रहा है तेरी इतनी हिम्मत? गलत नहीं किया है मैंने, मैं इसके यहाँ आने की वजह जानना चाहती थी। ये सीधे सीधे बताता नहीं, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। और ये धोखेबाज अपने मुंह से तो नहीं कहता ना कि ये इस घर की खुशियां छीनने आया था, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। गले में फांस लगा तो निकल आया ना सच बाहर। तो बस मुझे कुछ भी करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता आपने। सोचा था, जो सोचा इस घर के लिए सोचा। अरे मैंने तो सब कुछ साक्षी की खुशी के लिए किया, क्योंकि ये मुस्तंदा तो इस घर की खुशी के लिए कभी सोचेगा नहीं, बल्कि ये तो चाहेगा कि इस घर में हमेशा गम का माहौल बना रहे। ये कभी नहीं चाहेगा कि हम इस दुख से कभी बाहर निकलें, बल्कि ये तो चाहेगा कि इसके भाई के किए के लिए हम किस्मत को कोसते रहे और सारी उम्र रोते रहे। लेकिन मैं इसके इरादों को पूरा नहीं होने दूंगी। कान खोल के सुन लो तुम सब, इसे ये नहीं दिखाई देता कि इसके भाई के किए की वजह से हम लोगों की समाज में इतनी बदनामी हुई है, हमारी इज्जत दांव पे लगी है और साकेत जी उसे बचाना चाहते हैं। अरे ऐसे ऊंचे ओहदे वाले, इतनी बड़ी हैसियत वाले इंसान के लिए रिश्तों की क्या कमी है? नहीं, वो सिर्फ हमारी खातिर दौड़े चले आए और ये साक्षी को उन्हीं के खिलाफ भड़का रहा है। भगवान जाने कि इसकी मर्जी क्या है, इसके पास ऐसी कौन सी वजह है कि ये नहीं चाहता कि हम इस मुश्किल से कभी बाहर निकले। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर पहुंच गई साक्षी के कमरे में, वरना ये तो उसे उकसाकर घर से भगा चुका होता। तब क्या करते हम?
दादी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रवि ने जो कुछ किया है उसके लिए माफ कर दीजिए। मुझे पता है हाँ, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए दादी, अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। लेकिन विक्रम, मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ मैंने गलत नहीं किया। ले जा अपने लफंगे पति को यहाँ से, समझा दे इसे कि अगर इस घर के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकता तो कम से कम बुरा भी ना सोचे। मान जाए तो ठीक, वरना। दादी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सोच रही है। चाची मेरी, देविका मेरी बात का यकीन करो, साक्षी खुश नहीं रह पाएगी। साक्षी, बड़ा आया था मेरे मंसूबों को मिट्टी में मिला, चखा दिया ना मजा। साक्षी प्लीज तू रो मत। अरे दादी का नेचर तो पता है ना तुझे, उनको बस किसी तरह अपनी मर्जी चलानी है। रवि जी जो है ना तेरे साथ, तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे तेरे लिए। तो क्या मिला जीजू को मेरा साथ देख? दादी ने उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। नहीं पल्लव, बस सारी जिंदगी ये सब देखने सुनने से बेहतर है सारा किस्सा एक ही बार खत्म कर दूं। क्या मतलब है तेरे? क्या करना चाहती है तू? ये जिंदगी मेरी है ना पल्लवी, तो अब मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूं। सारी आर्ग्यूमेंट्स ही खत्म हो जाएंगे हमेशा हमेशा की। हे बाबा, ये साक्षी करना क्या चाहती है? वाजीबा, कहाँ थे भाई तुम दोनों? और टैन देखा क्या हुआ है? रवि पुत्र ये बढ़िया है, वो शादी होगी तो बोटी को लेकर आता था और बाहर घूमता रहेगा, वो माँ को बताने की भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं आंटी जी, वो इसकी गलती नहीं थी, आंसू ही मैं। अच्छा अच्छा, आप समझिए कि दिन का आइडिया तेरा था। वो तुझसे कहा था पति को रिझाने के लिए ताकि वो रात को घर से बाहर ना जाए, तो तू तो खुद ही रात भर गायब है उसे लेके। देवी का रानी शरीफों के तौर तरीके नहीं है ये। चल ठीक है, जाओ जाके कपड़े बदलो, ये बेमौसम की बरसात है, बीमार पड़ जाना है। तो तू खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, तो तुझे अलग से कहना पड़ेगा वो तो कपड़े बदलने। भाई ये क्या है? क्या मतलब? ये मेरा है। हाँ मैम, I'm sorry, मालूम नहीं था मुझे।